Welcome back, guys. So this is part 2 of our McLeodganj vlog. In part 1st, I have shown you 6 places out of 12 we have visited. So in this video, you are going to see the other 6 places. So chaliye shuru karte hain subah ke zaruri kaam ke saath. 7th place hai Nadi Viewpoint. Nadi Viewpoint mein aap sunrise and sunset dekh sakte ho. इस दूरबीन की मदद से. इस दूरबीन को हम कहते हैं सस्ता टेलीस्कोप. ये बैग चुरा के मैं अमीर बनने ही वाला था कि मुझे पता लगा कि इसमें तो इन मैडम का मेकअप का सामान है. सो 8th प्लेस है डल लेक. डल लेक में पानी इतना लबलब भरा हुआ है कि मेरे माँ बाप जो बचपन से मुझे कहते थे चुल्लू भर पानी में डूब मर, मुझे उसके लिए जगह मिल गई है. एक्चुअली यहाँ पे पानी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की सरकार ने इसमें कुछ उंगली कर दी है. तो 9th प्लेस है सेंट जॉन अंकल जी का चर्च. ये चर्च इतनी प्यारी जगह में बना हुआ है कि आप अगर सनसेट के टाइम आते हो तो आपको पूरी मूवी वाली सीन आएगी. कौन सी मूवी? 1920 कोई है. सो 10th प्लेस के लिए आपको आना पड़ेगा भागशु. भागशु में ये भागशुनाथ मंदिर जो कि मेन मार्केट में है. तो आप त्रिउंड का ट्रैक यहाँ से शुरू कर सकते हो और हमने यहीं से शुरू किया था और यहाँ से कोई चेकिंग वगैरह भी नहीं है. तो नेक्स्ट वीडियो मेरी त्रिउंड ट्रैक की आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो आइए अपने पाप धो लेते हैं, थोड़ा मंदिर के दर्शन करते हैं. हमने मन से पूजा करने के बाद की पेट की पूजा, क्योंकि पेट की पूजा भी जरूरी है दोस्तों. सो लास्ट प्लेस है भागशु वाटरफॉल. भागशु वाटरफॉल के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पानी का आनंद ले सकते हो. एक्चुअली इस वीडियो में सिर्फ 5 प्लेसेस हैं क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने भावनाओं में बह के आपको 7 प्लेसेस दिखा दी. सो आपको 12 प्लेसेस देखने के लिए आपको दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी. ओके बाय.